अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज मैं आया हुआ था दुआ फेस्टिवल, तो दुआ सिटी फेस्टिवल। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो पूछते रहते हैं जी कि हमें, जिनका वीज़ा होल्डर हैं जो, मतलब कि उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कोई गुड न्यूज़ आई या नहीं आई। तो आज मैं बताने लगा हूँ, जो वीज़ा होल्डर हैं, मतलब जिनको कोरोना से पहले पहले, मतलब मार्च से पहले पहले जो इधर ब्लॉकेड हुई थी, उससे पहले उनके वीज़े लग गए थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया था। तो कोरोना की वजह से बहुत सूरत हाल मतलब हो गई थी, तो इस वजह से इनके इंट्री बंद हो गई थी। तो री एंट्री इनकी ओपन जो हुई है, वो उसके बारे में है, जिनका वीज़ा होल्डर थे जो, उसके बारे में मैं आज बात करने लगा हूँ। तो मेरे ऐसे फ्रेंड जो नए आए हैं, और वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, चाहे हमारे जितने भी फ्रेंड दोस्त हैं वो इससे देख लें, और जो मैं आज तरीका बताने लगा हूँ उसको फॉलो अप करते हुए चेक करें कि उनका वीज़ा अराइवल खुल गया है उनके लिए या नहीं खुला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा कि जो हमारे वीज़ा होल्डर फ्रेंड जो अपने नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में फंसे हुए हैं, जिनका वीज़ा मतलब लग गया था लेकिन वो आ नहीं सके, वो अपना वीज़ा कैसे चेक करें और कैसे वो मतलब के देखें कि हमें अलाउ कर रही है कंपनी के नहीं कर रही है, जिस कंपनी को उनको वीज़ा मिला था। तो उसके बारे में मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह आप सब फ्रेंड को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकॉन के साथ करें, क्योंकि जो भी वीडियो आए आपके साथ, जो इधर मतलब वक्फा में वक्फा आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं जो कतर की तरफ से होती हैं, तो वो आपको बेल आइकॉन के साथ दबाएंगे तो वो लाजिम आपको उसी टाइम आपको वीडियो मिलेगी, तो वो वॉच करेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड आज जो वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझाऊंगा, लिंक भी दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि सब फ्रेंड उसको फॉलो अप कर सकें, और लिंक पे खुद ही जाके आपने उसको चेक करना है। उसके चेक करने का तरीका भी मैं आगे आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो वेबसाइट है www.moi.qatar.com। तो उसका मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आपको एक वीडियो भी उसके आगे मैं आप बना के दिखाता हूँ आपने किस तरह उसको चेक करना है। उधर जाके आपने इंक्वायरी में जाना है, और उसके बाद आपने अपना वो वीज़ा इंक्वायरी में जाना है, उसके बाद आपने उसका अपना पासपोर्ट नंबर एंट्री करना है। तो वो आपको नीचे स्टेटस शो कर रहा होगा, जो लास्ट में आएगा वीज़ा इंक्वायरी के बिल्कुल, जब आप अपना पासपोर्ट नंबर एंट्री करेंगे तो लास्ट में बिल्कुल वो आएगा स्टेटस उसका। तो वो वीडियो भी मैं साथ आपको दिखाता हूँ किस तरह आपने करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो लाजमी आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि वीडियो वॉच पूरी नहीं करेंगे तो फिर वो आप बार बार कमेंट में पूछते हैं कि ये किस तरह होगा। तो वीडियो वॉच पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मानीला टेक केयर। तो फ्रेंड आपने वीज़ा इंक्वायरी के लिए आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, और इधर आपने लिखना है www.my.gov.qatar। ये आ गया। तो इसका आपने ये वाला जो है ना, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर, कतर वजारत दाखिला, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने जाना है, इधर नीचे आ जाएंगे, ये जो वीज़ा इंक्वायरी है, इंक्वायरीज में जाके आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद ये इधर है वीज़ा सर्विसेज, ये आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ वीज़ा सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद ये वीज़ा इंक्वायरी आर प्रिंटिंग, इसके ऊपर ये जो सेकंड वाला है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा जी, ये आप देखें जी, इधर से आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं, जो हमारे फ्रेंड मतलब जिनका वीज़ा अभी लगा हुआ था। तो ये इधर वीज़ा नंबर, ये इधर पासपोर्ट नंबर आप डालेंगे, और इधर आपकी आएगी नेशनैलिटी, मतलब जिस कंट्री से भी आपका बिलोंग है। तो उसके बाद आपने इधर पासवर्ड डालना है,
ये जो लिखा हुआ है 494 या जो भी जो आपका आएगा, तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल दे देगा कि कैसे आपका वीज़ा ये एक्सटेंड हो गया है या क्या है इसका, तो इस तरह जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।